श्रद्धेय श्याम बाबा और आज के उत्सव मूर्ति श्री गोकुल उत्सव जी महाराज उसका न्यासन साहब शहीद साहब लालमणि महाराज और उपस्थित स्टेज पे और श्रोता में मुझे आज एक बड़ी खुशी है और मैं इस सम्मान में अपने आप को सम्मानित हुआ ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए कि देखिए हमारे हम लोग सब संगीतकार घराने में पैदा हुए और काफी हद तक अच्छा गाया बजाया, मगर आज एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान हम लोग कर रहे हैं जिनके लिए ये कहा जा सकता है कि वल्लभ कुल चंद्र मां पूजो या जग को पूजिया वल्लभ कुल चंद्रमा उपजो या जग को पूजिया। ये हमारे गोकुल उत्सव जी महाराज हैं। मैंने इनको पहली बार 72 में जरा सा हमारे स्वर्गीय माधवराय महाराज जी के यहाँ थोड़ा सा सुना और तब जो इनकी प्रतिभा देखी तो ये लगा कि ये तो सच में मतलब यार जगह को उजियार है, चंद्रमा है। और मैं इनके विषय में ये कहूंगा कि उस्ताद अबीर खान साहब को बहुतों ने फॉलो किया, मैंने भी किया, मगर उस्ताद अबीर खान साहब को किसी ने 16 आने फॉलो नहीं किया। कोई 12 आने में रह गया, कोई 8 आने में रह गया। मैं तो अब हमारे न्याज है मैं 7 से भी कहूंगा कि उन्होंने भी बहुत फॉलो किया, बड़े बड़े उस्तादों ने फॉलो किया मगर कोई 16 आने नहीं पहुंचा। मैं हमारे गोकुल उत्सव जी महाराज के लिए ये कह सकता हूं, छाती ठोक के कह सकता हूं कि ये है जो 16 है। और इसीलिए ये आदर को उजियार भी है। संगीत में पहली बार ये ऐसे कुल में प्रकट होकर ऐसे संगीत को भी ऐसी गरिमा प्रदान की। वल्लभ कुल में पैदा होना ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। मैं तो हमारे श्याम मनोहर बाबा के पैर को छू के अपने आप को धन्य मानता हूं। और ये उस कुल में पैदा हुए जिस कुल में हमारे श्याम मनोहर गोस्वामी जी है उसी में हमारे गोकुल उत्सव के महाराज पैदा है और इन्होंने संगीत को यहां तक पहुंचा दिया। मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये कहूंगा कि ये बहुत सारे संगीत के मार्ग जो है प्रशस्त करेंगे और दुनिया को एक नया आयाम, नई हद, नई सीमा बनाए, ऐसी मैं इनसे दुआ करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। और ये अपने यथा नाम तथा गुणा हमेशा उत्सव में रहे। जय।